हुकूमत दियां बड़ियां डूंगियां चालां ने सानू जिहा एक दूसरे नाल अलझा दिता, असीं एक दूसरे नूं दोषी समझी फिरदे। मीडिया जिस तरह पुतलियां नचाउंदे इस तरह नचा रहा, बेशक इस गल का कोई जिन्ना मर्जी बट कर ले, इतराज कर ले, वह क्योंकि उंगलों से नचाउंदे, अपनी मर्जी दे साडे कोल जवाब लैना चाहुंदे ने। एक ढड्डरियां वाला साडे चेहरे मोहरे का साडे विचों कलब के एजेंसियां साडे खिलाफ बुलाउणा शुरू कर दिता, पर कौमी सन्मान नूं ठेस ना पहुँचण दिओ, कौम दे सिधांत ते समझौता ना करो, एक दूसरे का विरोध करना किस तरीके नाल कर लो, ताडे जोश नूं ताडे जज्बे नूं इस ढंग नाल वरत्या जाऊगा कि तुहानू समझ नहीं आउणी भी असीं फस कित्थे गए हां। ते ओह 84 आई सी, उस तों बाद आ जिहड़ा हुण वरत रिहा इहदे तों बाद वी इक 84 बणनी बाहरले सिखां वास्ते। बनदा कारण कौन बनने जिन्हें 26 जनवरी में साडे सिधांत का विरोध किया, 26 में फैसला हो जाना। गुरु साहब ने किदे सिर ते हाथ रखना वो गुरु साहब ही जानते हैं, क्योंकि बड़ा बड़ा एक नवा इतिहास सिरजिया संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरांवाले ने। तो जदों उन्हां दा जन्म होया किसी ने इस चीज़ का चित ख्याल भी नहीं सी कि महापुरख अजिहियां प्राप्तियां करनगे। ते जदों उन्होंने कौमी फर्ज निभाउंदिआं इह रवायतां सुरजीत कर दित्तियां, सीस तली ते धर के लड़ाई लड़न वालियां, कुदरती गल आ। उस वेले जिहड़ा हरिमंदर साहब का जिहड़ा श्री अकाल तख्त साहब का तोपां टैंकां द्वारा ढह ढेरी किया जाना सी, उन्हें कौमी हिरदे नूं दुखी किया, जाति तौर ते सारे दुखी किया, पर जिहड़ा कौमी दर्द सी ना वो छलकिया। उस दर्द दे विचों नुमाइंदगी कौन कर गए, बंसों मलोए तो बैठे ने भाई सतवंसों अगवानी बैठे ने, सब अजिहा बनिया कि भाई केहर सिंह की प्रेरणा नाल, दिल्ली बैठिया की प्रेरणा नाल इन दोवां ने वो कौमी फर्ज निभा दिता। इस समय समय से जदों अजिहियां घटनावां वापरदियां ने, तो गुरु साहब समर्था दे के किसी ना किसी दे किहदे कोलों, भाई मचित्र सिंह कोलों नागणी नाल हाथी का जिहड़ा वो वापस मड़वा सकते ने। इस तरह ही गुरु साहब ने बख्शिश की कि भाई हरजिंदर सिंह जिंदा, भाई सुखदेव सिंह सुखा, तो इन्हां दे साथियों कोलों वो बख्शिश करके सेवा लै ली बैठे ने भाई निर्मल सोहनी। ये सेवा अज आप बैठे आपां लगता भी वह कुरबानी कर गए, पर बड़ा औखा सफर हुंदा। भाई दलजीत सोहनी बैठे, उन्हां दे साथी सारे, क्योंकि जदों कोई प्राप्ति हुंदी है ना उस प्राप्ति लई बड़ा वड्डा जतन हुंदा, बड़ियां वड्डियां उहदे पिछे कालणावां कालियां जांदियां ने, बड़े सारे सज्जण सहयोगी हुंदे ने जिहड़े उस निशाने की पूर्ति लई टिकाणे पहुँचदे ने, उहनां दा सहयोग करदे ने। हुण तुसीं इहनां नूं पुछ के वेखो परिवारां नाल की बीती। मैं थोड़े दिन पहला लगभग 3 महीने पहला भैन जी हुणी चढ़ाई कर गए, भाई सरजीत सिंह पिंटा दे माता जी ते भाई निर्मल सिंह जी दे सब तो वड्डे भैन जी, वो चढ़ाई कर गए। तो जदों कुदरती गल परिवारक प्यार आ, जदों भोगते गए ना कुछ गल्लां आम तौर पर लुकियां रह जांदियां ने, सारयां नूं पता नहीं हुंदा। जदों गए तो उस वेले सरबजीत कौर साडी छोटी भैन भी आ, भाई चैचल सिंह दे घरों शहीदां दी भैन, शहीद दी सिंगणी, ते शहीदां दे एक किस्म दी जिंदा शहीद ही माता उन्हां दे, क्योंकि उन्होंने दस्या जदों ये वीर उत्थे भाई हरजिंदर सोहनी ये सारे उत्थे रहिंदे सन, पुलिस नूं पता लगना ही सी, ते पुलिस ने फिर इन्ना तशद्दुद उन्हां दे कीता, मर्द पुलिस वाले ने तशद्दुद कीता, ते वो तशद्दुद कीता जिहड़ा मर्दां दे उत्ते कीता जांदा।
उस भैन जी के उत्ते अजिहा तशद्दुद होया। इस तरह बाकी साडे परिवारक मैंबरां दे उत्ते साडियां बीबियां ते साडियां मावां ते भैणां दे उत्ते तशद्दुद हुंदे रहा। भैन जी बलविंदर कौर बैठे ने, भाजी इंद्रजीत सिंह हुणी बैठे ने, कोई परिवार का जी नहीं जिन्हें सुख नाल घर रह के वेख्या होवे। सारिआं नूं घरां तों हुलाया, किसी नूं तशद्दुद कीता, रिश्तेदारी बनती भाई इंद्रजीत सोहना दी, भाई सीतल सिंह मत्ते वाला होना ना, ये इस तरह लड़िया दियां लड़िया। एक मामले दे विच बाकी किस वेले इंटैरोगेशन होनी, इधर हो जाना इंटैरोगेशन हो जानी। एक मामले दे विच गोविंद राम दे सामने कोई जिहा सबब बनिया कि उहदे नाल जिहड़ा जी उह साडा मेरी जिहड़ी उत्थे इंटैरोगेशन होई बीको दे विच, चलो जिहड़े बंदे मेरे ते बगे सी वह भी आमो सामने हो गए। आमो सामने आ कुछ गल्लां मैं चल गया, कुछ वह भी फिर चल गए। जदों गल चल गए गल मुक गई तो पुलिस वालिया उदों एक रजिस्टर कढ़िया, आंदे तुसीं तां दे सानूं आ गल का पता नहीं, उस गल का नहीं पता। और रजिस्टर कढ़िया जदों उहदियां लड़ियां खोलियां ना, जिस तरह आड़ती नहीं खोलदे अपना लैजर, तो वह पन्ना कढ़दे ने भी तेरा नाम इहदे ते आ, उहदे तों वखरियां वखरियां लड़ियां खुल गईआं। पर चलो गुरु साहब की बख्शिश समय ने अजे अहीं प्रशादा पाणी होर छकना सी। भाई प्रगट सोहनी बैठे आ, सस्वरनजीत सिंह साहब, मनजीत सिंह भोमा, मैं वेखण डिआ भी चार्ज फिर जिधर निगाह मैनूं नारन याद रहण डे, जिन्ने सारे सज्जण साडे इत्थे बैठे जिहड़े पिछले समय दे विच इस तशद्दुद दा शिकार होए ने, ठीक आ कोई किते आ कोई किते आ। अज मेरी जिम्मेवारी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी च ला गई, बाबा जसवाल बैठे ने, बाबा स्वरनजीत सिंह ने बैठे ने, इन्हां दा वड्डा योगदान रहा पूले नूं संभालण दे विच। कल्ली कल्ली उह शख्सियत अज इत्थे हाजिर होई आ जिहड़ी शख्सियत जिन्हां दा पंथक योगदान आ, सिंह साहिब भाई जसबीर सिंह जी रोडे पहुंचे ने, भाई नरपैल सोहणे बड़ियां उन्हां चीज़ां दे गवाह रहे हैं। जदों जसजीत सिंह बैंस जां राजविंदर सिंह बैंस अधिकारां दी मनुखी अधिकारां दी लड़ाई लड़दे सन, पर हकूमत दीआं बड़ियां डूंगियां चालां ने सानू अजिहा एक दूसरे नाल अलझा दिता, असीं एक दूसरे नूं दोषी समझी फिरदे, असीं एक दूसरे नूं समझदे आ कि उह शायद घट काम कर रहा सी वध कर रहे हैं। एक दिन ना एक अपने भाई गुरभेज सिंह बैठे ने, ये भी सिरसे वाले दे कांड दे विच नाभा कट आए ने, नाभे सारे नूं पिछे कुछ समा बनिया मिलन जाके आए हाँ। गल आ एक शेयर कीती इन्हां ने, मेरा ख्याल साल को है, एक ना एक इन्हां ने एक पोस्ट शेयर कीती जिहदे विच लूंबड़ मास खाण डे ने शेर का, बबर शेर का, तो कोई पुछदा तुम तो बबर शेर का मास है किस तरह, आंदे अं बबर शेर आपस लड़ा दिता तो वो लड़ के मर गए, अं खास मास खाण डे, साडे नाल अजिहा वरता डिआ दुश्मन वरता रहा साडे नाल। आ थोड़े दिन पहला एक BBC दे चैनल ते एक ना वाइल्ड लाइफ नूं वेखदिआं एक चीज़ सामने आ रही, शेर लड़ पे, शेरां ने शेर मार दिता, बब्बर शेर मार दिता, कुछ मास उहदा वो खा गए, तो कुछ अयाल नहीं जिहड़ा वह शेरां दे गल दे विच वड्डा वालां दा गुस्सा हुंदा, तो एक गिद्दड़ गुस्सा धोई फिरन डिआ। शेरां दी कौम आ, बड़ा दर्द भरी गल कीती भाई मनजीत सोहना ने, सानू अजिहा अलझा दिता पहुंचाउंदी। भाई करनैल सिंह पीर महमद शायद आउण इत्थे, एक मैं अज गल तुहाडे नाल सांझी करनी चाहुंना क्योंकि तुहानू मीडिया उंगलां ते नचार रहा, मीडिया जिस तरह पुतलियां नचाउंदे इस तरह नचार रहा। बेशक इस गल का कोई जिन्ना मर्जी वट कर ले इतराज कर ले, एक ढड्डरियां वाला साढ़े चेहरे मोहरे का साढ़े विचों कलब के
एजेंसियां साढ़े खिलाफ बुलाना शुरू कर दिता। तो एक अपने आप में बड़ा पत्रकार आता जादविंदर करफ्यू लिखता सिंह छड़ गया अपने नालों, उन्हें एक दिन कॉल करती भी न्यूज 18 दिन तू गल करनी है जी। भाई साहब दो मिनट रुक जो, वो गल करने ली मैं पसंद आयो जहा वाह जात बंदा मैं शायद गल ही ना करता, वो मेरी जिम्मेवारी लग गई। सा करनैल सिंह पीर मुहम्मद एक दो वीर होर उस कन्वरसेशन दे विच उन्होंने नाल ऐड कर ले, गल शुरू हुई। उस बंदे ने 25 मिनट पहला टडरियां वाले की प्रोजैक्शन की, किसी नूं वड्याउणा होवे ना तो उहदी किसी ढंग नाल अजिही विरोधता करदी पई तां अक्स उभर के सामने आवे। 25 मिनटां उहने सानूं बुलाउणा शुरू करता जी, सवाल पुठे सिद्धे इधर उधर दे, चलो जिन्नी गुरु साहब ने सोझी बख्शी की समत बख्शी की जवाब देने की कोशिश की। तो पूरा नाम लेना चाहिए, जे बीबी का नाम लेना उहदा कौर ला के नाम लै, जे भाई का नाम लेना उहदा सिंह ना के नाम ला के पूरा नाम लै। मैं सर नवकिरण सोहनी साढ़े वड्डे भाई साहब ने, वह भी ह्यूमन राइट्स के अलंबरदार रहे ने, तो मैं उन्हों का नाम पूरा लै। मैनू तू भावें चेहरा मोरा तेरा जिस तरह मर्जी है, पर तेरी गलबात तो जापदा तू सिखा दा बच्चा ते तेरे भाई जादविंदर सिंह पूरा नाम लाए। उस तो बाद उन्हें दोबारा मैंने सवाल नहीं किया, मैंने तो फिर उन्ना चेर कानून वो लगे ही रहना, मेरे माइक भी रहना सीगा, पर उन्हें फिर वेख्या भी ये शह वो क्योंकि उंगलों तेन चाहते अपनी मर्जी के साडे को जवाब लेना चाहते ने। इस गल का भी मैं अज दे इस क्योंकि मीडिया सामने चल रहा इन्हों के राही एक मैसेज कन्वे करना चाहना भी ठीक है, जो तुम सवाल कर दे वख वख धड़े हो सकते हैं, पर कौमी सन्मान नूं ठेस ना पहुंचण दिओ, कौम दे सिधांत ते समझौता ना करो, एक दूसरे का विरोध करना किसी तरीके नाल कर लो, पर एक अदब दे विच एक दायरे च रह के कौमी गल करो, निज नाल उपर कौम नूं पहल लिओ। ये जिहड़ियां ये बड़ियां जरूरी बेनतियां ने, बड़े विस्तार नाल सारयां ने मेरे तो पहलां ते मेरे तो बाद भी ये गल्लां करनियां ने। मैं एक बेनती जरूरी करनी चाहुंदा क्योंकि आ पिछले समय दौरान बड़ियां गल्लां सामणियां, जिद्दण ये शुरू ही होया ना संघर्ष सब प्रगट सुणी कई वारी मेरी किसी गल का विरोध कर जांदे वट कर जांदे ही। मैं पहले दिन इन्हां नूं आख्या हैगा मैं ना तुहाडे कम दा केजरीवाल जे, ते जिद्दण आ संघर्ष भी शुरू होया ना किसानी संघर्ष, ये बैठे ने सरनजीत सोहणी बैठे ने, आ भाई गुरपेश सिंह बैठा, होर भी जिन्ने क साडे नेड़ वाले आ। मैं उन्हां बंदियां नूं इह गल जरूर कही सी भई ये जिहड़ा ना तुहाडे जोश नूं तुहाडे जज्बे नूं इस ढंग नाल वरत्या जाऊगा कि तुहानूं समझ नहीं आउणी भी अहीं फस कित्थे गए आ। ते हुण जदों वो होया ना 26 जनवरी वाला वो चीज़ सामने आई, अज भी आ जिहड़े हुण साडा 184 हुण बणने आ, एक निकल गई ना उस चराजी की बैकग्राउंड बनी जिदने इंदिरा गांधी ने वड्याया है ना दिल्ली के सिखा ने, तो संत बाब करनैल सिंह जी खालसा पिंडराले ने उन्होंने आख्या भी ये रोम जिन्ने शरीर दे आ उन्नी बार आण के गुरु के दरबार च हाजिर हो गए नतमस्तक होवे ते एहसान नहीं भुला सकती। उस चीज़ का दुख एमरजेंसी का दुख जो टकसाल ने सिंह की जुलूस कढ़े सी 84 आई सी, उस तों बाद आ जिहड़ा हुण वरत रहा इहदे तों बाद 84 बणनी बाहरले सिखां वास्ते बणदा कारण कौन बणने जिन्हां 26 जनवरी नूं साडे संविधान का विरोध कीता ने 26 नूं फैसला हो जाणा। इस करके इन्हां चीज़ां ते पहरा दिओ। हुण एक परसों घटना वापरी आ, परसों घटना वापरी आ, वह बीबी उन्हूं गोली मार दित्ती जी, जिम्मेवारी लगी जाणा साडा फर्ज बनता क्योंकि पंजाब सिखां दा पेका घर आ, साडा फर्ज बनता अं उत्थे पहुंचीए जिथे कि सिखां नाल कोई घटना वापरदी आ। इस करके अजे आने वाले समय च होर बड़ा कुछ होना, आप जो दी ना लड़ी आपां एक सिधांत दे प्रचार आ, एक सिधांत नूं प्रणाए आ, उस गुरु दे सिखिया जिस गुरु ने सरबत दे भले की गल की आ, अपने सिधांत प्रति अकीदा दृढ़ रखदा आ,
अपने निशाने ते वध रहीए। मैं इन्नियां बेनतियां करदा होया अपने वीरां नूं जिन्हां ने उस सिधांत की खातर शहादत दित्ती आ, उन्हां नूं शरदा दे फुल भेट करदा है। फतेह बुलाउणा वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जे पल बोलदा भुल चुक हो गई, समा वध लै गया, उहदी खिमा बख्शिश करियो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।